वेलकम टू माय चैनल सुषमाज किचन। मैं हूँ सुषमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने घर में मावा तैयार कर लिया है, और ये देखिए एकदम ताज़ा मावा है। और गुलाब जामुन में जितना क्वांटिटी में आप मावा ले रहे हैं उसी हिसाब से आप थोड़ा सा पनीर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितना क्वांटिटी में मावा लिया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर ले लिया है। मेरा 1 लीटर दूध का मैंने मावा तैयार किया है, तो इसमें 100 ग्राम मैंने पनीर दिया है। देखिए कितना टटका मावा है, और मावा को जितना आप महिएगा ना फ्रेंड्स, उतना गुलाब जामुन अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। गुलाब जामुन में अधिकांश लोगों का ये शिकायत रहता है क्या, जो अंदर में गुठली आ जाता है, तो वो गुठली जो होता है इसीलिए होता है क्योंकि हम उस मावा को ठीक से नहीं महते हैं। जितना उसको महिएगा उतना ये होगा। और यहाँ पर देखिए मावा महने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा मिला दिया है, और उसको अच्छा से मैदा, ये देखिए मावा को मैंने मह के तैयार कर लिया है। महने के बाद इसमें मैंने 1 पिंच खाने वाला सोडा जो होता है वो मैंने दे दिया है। फ्रेंड्स, मावा में ज़्यादा आप मैदा नहीं दीजिएगा, नहीं तो करा करा गुलाब जामुन बन जाएगा, और बेकिंग सोडा भी ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो अजीब क्रैक्स आ जाएंगे। ये देखिए सिर्फ बाइंडिंग के लिए मैदा मैंने दिया है, और एकदम 1 पिंच मैंने सोडा दिया है, खाने वाला सोडा। तो ये देखिए मावा तैयार हो गया है। मावा को आप जितना हाथों की सहायता से इस तरह से महिएगा ना फ्रेंड्स, उतना ही गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए इसीलिए मैं इसे हाथों की सहायता से जितना मावा को महिएगा, या डो जो मैंने तैयार किया है गुलाब जामुन के लिए, तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए अब हाथ में नहीं चिपक रहा है मावा, गुलाब जामुन का डो, और थाला में भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से छोटा छोटा लोई बनाकर उसको बॉल्स का आकार का मैं कर ले रही हूँ। और ये देखिए आप देख ही सकते हैं, एक भी क्रैक्स नहीं आया है इसमें। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं सब बॉल्स तैयार कर लूँगी गुलाब जामुन का। और इधर मैंने रिफाइन गर्म करने के लिए डाल दिया था, तेल गर्म हो गई है। तो इसका भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है फ्रेंड्स, गुलाब जामुन ऐसे अगर आप बॉल को दीजिएगा तो नीचे बैठ जाएगा तेल में, और एक तरफ जल जाएगा, एक तरफ कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए स्पून की सहायता से मैं तेल को हिला रही हूँ, और एक एक सेकेंड के बाद मैं गुलाब जामुन बॉल्स को इसमें डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से हिलाने से क्या होता है, गुलाब जामुन का जो बॉल्स है वो नीचे बैठता नहीं है, तौला में लगता नहीं है, और स्पून के सहायता से जो मैं तेल को ये कर रही हूँ तो अपने आप बॉल्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, और परफेक्ट फ्राई हो रहा है। तो ये एक टिप्स है गुलाब जामुन को फ्राई करने का। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से सब गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है। और अब मैं देखिए अब निकाल के दिखाती हूँ कि गुलाब जामुन फ्राई हुआ है कि नहीं। ये आप देख ही सकते हैं, ये देखिए एक भी क्रैक्स नहीं आया है गुलाब जामुन में। देखिए आप देख सकते हैं एक भी क्रैक्स नहीं आया है, एकदम परफेक्ट हुआ है। थोड़ा सा और तलाएगा, डीप ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का अभी है। तो इसको मैं तल लूँगी। और इधर साइड में मैंने चाशनी तैयार किया है। तो गुलाब जामुन का चाशनी जो है फ्रेंड्स, ना मोटा होता है ना एकदम पतला होता है, मिडिल में होता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने गुलाब जामुन का चाशनी भी तैयार कर लिया है, और इसको फ्राई करके बॉल्स को मैं चाशनी में डाल दूंगी।
गरम गरम बॉल्स तैयार करके ही चाशनी में डालेंगे तो वो रस को चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर तक चाशनी चली जाएगी और आपका गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चाशनी तैयार कर लिया था, उसमें मैंने इलायची और केसर डाल दिया है और ये देखिए ठंडा होने के बाद अगर आप चाशनी में डालिएगा तो ऊपर से तो ये होगा लेकिन भीतर नहीं जाएगा चाशनी, गुलाब जामुन भीतर में उसका रस नहीं जाएगा। तो ये देखिए चाशनी से निकाल के मैंने गुलाब जामुन को ढक के रख दिया है ओवरनाइट के लिए और ये देखिए सुबह में मैंने देखा, ये देखिए कितना अच्छा तरीका से गुलाब जामुन तैयार हुआ है और एकदम रस पूरा अंदर तक गया है। अगर आपको आज की मेरी ये गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन बजा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।